वापस। आप तो चुप ही रहिए मंजरी दीदी, सब समझते हैं हम। अरे जब पहली बार शादी हो रहा था तो चार लोग के सामने हबर हबर अंगने में शादी करा दी, नो पार्टी नो रिसेप्शन। और जब हम दोबारा सबके सामने शादी करना चाहते थे तो वो भी नहीं होने दी, नहीं होने दी। आई नो वॉट यू वॉन्ट, ये सब जानबूझ के की है, आपके मन में खोट है। यू लॉस, लॉस इन योर माइंड। मैडममा, मंजिमा ने कुछ नहीं किया है, जो किया है वो हमने किया है। हम चाहते थे कि बड़के पापा और मंजिमा की फिर से शादी हो जाए और हमारे घर में सब खुश रहे पहले जैसे, और जो किया है वो हम चाहते थे। हम तीनों बच्चों ने अपने मन से किया। चुप, एकदम चुप, झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। हमको बुड़बक मत बनाओ। हम सब जानते हैं कि तीनों बच्चा का इतना बड़ा दिमाग हो ही नहीं सकता है। इसमें मंजरी दीदी का हाथ है। नहीं मैड मम्मा, सच कह रहे हैं, राम जी ने हमारी मदद की है, अब गौरी से पूछ लो। चुप, मारेंगे एक तमाचा खींच के। लेगी गौरी का नाम। माद्री, ये क्या बचपन है? तुम तो इतना अंग्रेजी पढ़ती हो, एक मुहावरा नहीं पढ़ा तुमने? All is well that ends well। मतलब कि जो किस्सा अच्छी तरह से खत्म हो जाए उस पूरे किस्से को अच्छा ही मान लेते हैं। बच्चों ने जो किया वो हमारी गलती सुधारने के लिए किया, और हमारी पहली बीवी के लिए जो हमारे दिल में प्रेम है, सम्मान है, उसे उजागर करने के लिए। ये लो। अच्छा तुम बताओ, हमारे प्रेम पर हमारी पहली बीवी का अधिकार है या नहीं? जैसे कि तुम्हारा है, और किसी को उसका हक दिलवाना ये कोई गलत बात है? कली बेटा, यहां पर तुम्हारा कोई काम नहीं है बड़ों के बीच में। चलो हम दोनों कहीं चलते हैं। चलो आदरी, आचार्य जी अपनी दोनों पत्नियों से प्यार करते हैं, उनका प्रेम कभी बढ़ता नहीं बल्कि दो गुना हो जाता है। हम तुम्हें कैसे समझें और तुम तो हमारी।
बाह बाह, छोटी प्यारी बहन को सौतन बना ही दिया तुमने, क्या बात है। नया ब्याह मुबारक हो तुमको, और नई नबेली सौतन भी मुबारक हो तुमको। मंजी माँ और बड़के पापा को तो पास ले आए। बड़के पापा ने मैं मम्मा को डांटा, हमें अच्छा नहीं लगा। आप सब ठीक कर दो ना। बूंदी आती ले लो, दही। मंजरी, शादी के बाद पहली सुबह दुल्हन को कुछ दिया जाता है, तो हम भी तुम्हारे लिए कुछ लेके आए। आचार्य जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है। हम जानते थे तुम यही कहोगे, इसीलिए तुम्हारे लिए हीरे जवाहरात, गहने, कपड़े या तुम्हारी और जरूरत की चीज नहीं लाए। हम तुम्हारे लिए बढ़िया। मालिक मंजी मां, मंजी मां देखो, आज बड़के पापा हमें स्कूल भेजेंगे। बड़ी मामा, आज काली हमारे साथ स्कूल जाएगी। वाटर बॉटल और बैग कैसा लगा? मंजरी, उम्मीद है कि तुम्हें हमारा तोहफा पसंद आया। ये तोहफा कल रात जो तुमने हमसे मांगा था, उसका जवाब हम कली को स्वीकार नहीं दे पाएंगे, लेकिन अधिकार और आधार दोनों उसको मिलेंगे। बच्चों, आज के बाद तुम दोनों साथ में स्कूल जाओगे। चारे जी, क्या क्या कली भी दूसरे बच्चों के जैसे अच्छे कपड़े पहन सकती है? मंजरी, देखो, हमारी मजबूरी, हमारी लाचारी, हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करो। जैसा हमने कहा, हम कली का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन हम उसे गोद में नहीं बिठा सकते। उसकी स्थिति
स्थिति बदली है, स्थान नहीं। ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम? डार्लिंग जी, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? और जो भी सामान मेरा यहाँ पे है उस सब लेके जा रहे हैं। गौरी को, गौरी को। हम और हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेंगे। आज से ना आपको डार्लिंग जी भी नहीं बुलाएंगे। चलो गौरी, यहाँ हमारा लक हार्ड हो गया है और हार्ड लक का मतलब तुम नहीं समझोगी। चलो यहाँ से, आज के बाद हमको तुम्हारे पापा से नहीं मिलना है। चलो। नहीं मैं मम्मा, गौरी नहीं जाएगी। मंजी माँ, अब मैं मम्मा को समझाओ ना। बड़ के पापा हम गौरी के बिना नहीं रह सकते, अब मैं मम्मा को समझाओ। छोड़ो गौरी को, गौरी नहीं जाएगी आपके साथ। माधुरी, ये क्या पागलपन है? पागलपन? पागलपन तो हम किए जो आपके पति से प्रीमियम किए, लव किए, और लव के बदले में हमको क्या मिला? हमको मिला लात। चलो गौरी। नहीं, गौरी नहीं जाएगी। हेलो, तुम इतना तड़प क्यों रही हो? क्यों तड़प रही हो इतना? देखो माधुरी, जब हमारा ब्याह हुआ था तुम्हें पता था, तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हम तुम्हारी बहन से प्रेम करते हैं, तो फिर अचानक से इतनी परेशानी किस बात की है? तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? देंगे, दे पाएंगे। अपनी पहली पत्नी से पूछ लीजिए, उसके बाद हमको वचन दीजिए। माधुरी, पूछना उन्हें पड़ता है जिनके पास कुछ हो ना देने के लिए। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो। ये जो पूरा संपत्ति है ना, वो हमारी गौरी के नाम करी। अरे संपत्ति का सवाल है माधुरी, अरे जायदाद का झगड़ा है ये। अरे एक बात समझ लो और उका गांठ बांध लो। अरे जी का झोले में कुंवर होता है, उका कलेजे में दम। पर ये आधा संपत्ति तो हमारा और आधा मंजरी दीदी का है। अरे छह परिवार का राजकुमारी भिखारी की लड़की के साथ सिंहासन पर बैठेगा? अरे का सोच रही हो तुम? अरे वो मंजरी का बस चले तो आधा मिथिलाओं के नाम करवा देगी। अरे हमको तो गौरी का चिंता है। ऐसे ही गौरी का जन्म हुआ था का झा परिवार में, स्वयं माता अवतारी थी।
गौरी का रूप लेकर झा परिवार का संपत्ति पे राज करने। अरे ये भूल गए तुम सब, माता को भिखारिन के साथ बिठाओगे का? यहाँ हम गौरी का हक नहीं डूबने देंगे। पर हम क्या करें? अरे सारा संपत्ति गौरी के नाम करवाई दो, आगे का रास्ता हम निकाल लेंगे। मजबूत बनो, अपना हक के लिए लड़ो, नहीं तो तुम और गौरी कटोरा लेकर बाहर खड़ी हो जाओगे रास्ते पर। अरे हम ना कागजात बनवाई देते हैं, बस विश्वा का दस्तखत ऊपर करवा देना। आज ही करा सकोगी? आज ही करा दो तो अच्छा है। संपत्ति सब गौरी का ही तो है, सब गौरी के लिए है। इतनी ओछी बात के लिए तुम हमारी बेटी को हमसे दूर लेके जाओगी? क्या हो गया तुम्हें? वाह 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 वाह, हम करे तो छोटी बात, अब मंजरी दीदी करे तो बहुत बड़की बात। माधुरी, जो तुम्हारी बहन ने मांगा वो उसे मिल नहीं सकता, और जो तुम मांग रही हो वो ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। गौरी की मलकियत तुमने गौरी के लिए मांगकर यह साबित कर दिया कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है हमसे, और हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम पेपर्स तैयार करवाओ, हम अभी साइन करते हैं। ठीक है तो जाना कैंसिल। माधुरी, तुम्हें ये याद है? ये तुम बचपन से हमारे लिए बनाती थी अपने हाथों से, और हर रक्षाबंधन पर हमें पहनाती थी, क्योंकि हम दोनों का कोई भाई नहीं, और तुम्हें ये भरोसा था कि हम एक भाई बनकर हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस भरोसे पर से भरोसा उठ गया माधुरी, जब आचार्य जी के साथ दूसरी शादी का वक्त है तो हमने तुम्हारे बारे में सोचा, क्योंकि हम जानते थे कि हम दोनों ने हमेशा बांटना सीखा है लेकिन काटना नहीं सीखा। तो फिर आज क्या हुआ? हमें इस बात का दुख नहीं है कि तुमने उन पेपर्स पे, लेकिन इस बात का दुख है कि हमारे जीवन भर के रिश्ते पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। हम तो आज भी इनसे बंधे हुए हैं। तो फिर इन चूड़ियों का बंधन टूट कैसे गया?
माधुरी, अगर अगर हमने कुछ गलत किया है या तुम्हारा दिल दुखाया तो हमें बोलो ना, हम पे गुस्सा करो, जिद करो, लेकिन ऐसे मुंह मत मोड़ो। तुम्हारे बिना हम बिल्कुल अकेले हैं माधुरी। बोल दिए, अब ज्यादा बोल मत करिए, जाइए यहां से। प्रवचन का टाइम ना 7:30 बजे, चली जाइए। लेकिन हम बहने हैं माधुरी। अरे बहन का ज्यादा नाटक मत करिए, समझे, जाइए यहां से। ऐसे भी हमारा मेडिटेशन का टाइम हो रहा है, चलिए जाइए। आ जाती हैं डिस्टर्ब करने के लिए। माधुरी को अब तुम्हारी बहन से हमने तुम्हारी सौत बनाया है, कितना भी कोशिश कर लो मंजरी, अब ये बाजी हम ही जीतेंगे।